नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आयुर्विज्ञान समाधान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं खुश्की की वजह से होने वाली रूखी त्वचा, फटे होठों और फटी एड़ियों का इलाज एक जैसा ही होता है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप घर पर ही फटी एड़ियों से कैसे निजात पा सकते हैं। आप अपने घर पर ही कुछ ऐसे उपाय करके अपनी फटी एड़ियों से निजात पा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं नारियल के तेल की। रात को सोने से पहले एक बड़ा चम्मच नारियल तेल लेकर उसे फटी एड़ियों पर लगाइए। चाहे तो इसे हल्का गर्म भी कर सकते हैं। इसके मसाज से थकान भी कम होगी। इसके बाद जुराबे पहनकर सो जाएं। सुबह उठकर पैरों को पानी से धो लें। करीब 10 दिन तक इस उपाय को लगातार करने से एड़ियां मुलायम हो जाएंगी। दूसरा उपाय है ग्लिसरीन और गुलाब जल। ज्यादा फटी एड़ियों के लिए यह बेहतरीन उपाय है। दोनों ही चीजें एड़ियों को नमी देकर कोमल बनाती हैं। 3/4 मात्रा में गुलाब जल और 1/4 मात्रा में ग्लिसरीन लेकर मिश्रण बनाएं और कुछ देर तक एड़ियों पर लगा रहने दें और उसके बाद गुनगुने पानी से उसे साफ कर लें। कुछ दिनों तक ऐसा करने के बाद आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं ओट और जोजोबा ऑयल की। ओट मील त्वचा को निखारने का काम करता है, जबकि जोजोबा ऑयल मॉइस्चर करने का। ओटो मील पाउडर और जोजोबा ऑयल को मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बना लें। इसे कुछ देर तक प्रभावित जगह पर लगाएं, फिर गुनगुने पानी से धो लें। दोस्तों, अब बात करते हैं शहद की। शहद एक बहुत ही अच्छा और बेहतरीन मॉइस्चराइजर माना जाता है, जो पैरों को हाइड्रेट रखने के साथ ही उनका पोषण भी करता है। पानी में आधा कप शहद मिलाकर उसमें कुछ देर पैरों को डुबोकर रखें। लगभग 20 मिनट बाद पैरों को बाहर निकालकर मुलायम तौलिए से हल्के हाथों से पोंछ लें। आपके पैर कोमल हो जाएंगे। अगला है दोस्तों ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल के इस्तेमाल से भी एड़ियां कोमल और मुलायम होती हैं। हथेली पर तेल की कुछ मात्रा लेकर हल्के हाथों से मसाज करें। इसके बाद पैरों को आधे घंटे के लिए वैसे ही छोड़ दें। इस प्रक्रिया को हफ्ते में एक बार जरूर करें। दोस्तों, ये थे 5 उपाय जिनसे आप रूखी और फटी एड़ियों से पा सकते हैं निजात। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।